क्लोज करो ठीक है, यहाँ पे करके आने के कर लो ठीक है। लो जी सब पार दिखाओ जी पर बेटा पूरे नहीं चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं जोड़ा है। रिजल्ट दे रहे हैं। और कोई जी दिखाओ जी। ये दूसरा ये जो चलिए नारा ये भी इनका बहुत अच्छा नारा है, बड़ा रिजल्ट वाला कबूतर है। ये वो कबूतर दिखा रहे हैं जिनका इधर रिजल्ट अच्छा आया है, यानी जिन जोड़ों का रिजल्ट अच्छा आया है ये वो हैं जी। ये वो हैं शाहिद साहब। यहाँ का मौसम आप अपने इलाके का कैसा कहेंगे? मौसम अच्छा होता है शाह जी, बड़ा साफ शफाफ होता है, लेकिन बाज़ खराब तो जैसे दूसरी तरफ होता है खराब, उसी तरह इधर भी हो जाता है, लेकिन नॉर्मल मतलब एडवांटेज है इधर पे। अच्छा। मतलब पोल्यूशन वगैरह नहीं है इतनी ज़्यादा। अच्छा। जैसे सिटी में होती है। अच्छा। जैसे आपके सिटी में लाहौर में। अच्छा। बाकी जो है बस नॉर्मल चलता रहता है। सेटअप तो आपका बहुत अच्छा है, यहाँ पे मेरे ख्याल रहनुमाई की और मेहनत की जरूरत है। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए जो है ये बशर भाई की छाता है, बाबा जी की छाता है। बाबा जी को बल्कि सलाम नहीं बोला, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी कैसे हैं ठीक है। ये सारा मतलब बाबा जी का प्यार है और बशर भाई का प्यार है, आप सब भाइयों का, तो इसी बिना पे सारा सिलसिला जो है ना चल रहा है। और अल्लाह के फजल से खूब आप मिलके मेहनत करते हैं तो अल्लाह पाक मेहनत का फल जो है अगर देंगे कामयाबी देंगे। मिलके जब चलेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल। और कोई दिखाई दिए जो सामने जी बिल्कुल शाह जी, ये भी इनका अच्छा कबूतर है रिजल्ट वाला। ये इसका कबूतर है ठीक है। ठीक हो गया पूरा स्ट्रक्चर भी इस तरह। पर जब इतने इंशाल्लाह मेहनत होगी तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और शाह जी सबसे बड़ी बात होती है सेटअप, इनका सेटअप बहुत अच्छा है। सेटअप अच्छा हो तो मेहनत करने वाला हो तो इंशाल्लाह रिजल्ट आ सकता है। अच्छे लेवल पे बड़े लेवल पे रिजल्ट, बड़े लेवल पे रिजल्ट आ सकता है। सेटअप ना बड़े लेवल पे रिजल्ट आ सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा बाबा जी की सबसे अच्छी खासियत कौन सी पसंद आई जी, किस चीज़ से देख के आपने? शाह जी बाबा जी की जो है सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो तो खैर अनगिनत है, लेकिन मैं तो बाबा जी का मतलब फैन इसलिए हूँ कि वो बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करते हैं, सच्ची साफ को। हाँ सच्ची बिल्कुल जो है साफ बात करनी है, सादा बात करनी है, सीडी और लगी लिपटी के बगैर बिल्कुल, मतलब बिला झिझक के, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है बात करनी है। और जो भी बात करते हैं हकीकत है, हकीकत पे बात करते हैं, मतलब कोई चांसा जोड़िए वो ऊपर नीचे वाले जो है, बाकी जो लेफ्ट राइट वाले होते हैं ऐसी कोई बात। इस चीज ने आपको बड़ा मुतासर किया? इसी चीज से जो है ना इंस्पायर हुआ मैं उनको। ठीक है जी, तो इसीलिए जो है सारा सिलसिला जो है सारा किया है। जी 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 जी, रब्ता भी रहा उनसे, उनके ख्यालात भी जानने का मौका मिला। जी जी जी, और उनकी साफगोई ने आपको बेहद मुतासर किया। तो अब इस ग्रुप में एक अच्छी और नई छत का इजाफा हो गया। जी जी, तो अब इंशाल्लाह लोगों की नजरें आपकी तरफ होंगी डेफिनेटली। जी इंशाल्लाह, उम्मीद है कि अच्छे लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे। जी इंशाल्लाह, यही कोशिश है शाह जी, अल्लाह के फजल से जो है ना मेहनत करेंगे और साथ बाबा जी बशर साहब जो है और सारे दोस्त जो है उनकी रहनमाई के साथ जो है अल्लाह के फजल से जो है ना कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। जी जी, तो ये ज़्यादातर कबूतर आपने कहाँ से कैसे इकट्ठे किए, कोई थोड़ा सा? शाह जी ये काफ़ी जगहों से जो है लिए हुए हैं कबूतर, मतलब लाहौर से लिए हैं और भी कई
कई दोस्त हैं जी उनसे लिए हैं, लेकिन कई जगहों से जिसने जहाँ बोला कि वहाँ पे अच्छे कबूतर हैं वो रिजल्टेड हैं, तो वहाँ पे जाके जो है हम बच्चे ले आते थे, बाजुका जोड़ों वाले भी ले आते थे, लेकिन अमूमन जो है ना जी वो मज़ा नहीं चाहिए। बड़ी देर के बाद जो है ना, बड़ी देर के बाद जो है वो कुछ बेहतरी आनी शुरू हुई। मतलब जैसे बाबा जी बात करते थे कि आते थे लोग, दोस्त आते थे, उस्ताद आते थे, पहले सेल वही मुझे बाय करवाते थे, बाद में वो दूसरे तीसरे आगे कहते थे ये बुरे हैं, ये नहीं अच्छे, ये वो। इसी तरह हमारी भी इनकमिंग और आउटकमिंग आउटगोइंग ऐसे ही चलती रहती थी ना। जी नहीं, बहरहाल मेरे ख्याल में कि आप इनकी रहनुमाई में आके आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जी इंशाल्लाह, जरूर, बिल्कुल। तो आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं जी, बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा पसंद आया, थैंक यू वेरी मच, ज्यादा चाहेंगे आप, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जाते जाते तो बेटा उससे दिखाते हुए।